मेरे हाथ में ये दराती है और इधर से बनाएंगे मिसवाक। ये हमारी देसी मिसवाक है कीकर की। माशाल्लाह ये खजूर है। व्यूअर ये खोड़ी का अब इख्तिताम हो गया है। आज जो है मौके पर हम पहुँचे हैं, वैसे हमारा इधर प्रोग्राम जो है बस बन गया था। आज सूरज की तपिश भी काफ़ी ज़्यादा है, दो दिन हो गए हैं। तो सुबह सुबह ये हमारी एक टाली थी, ये सूखी हुई थी। मेरे हाथ में ये दराती है और इधर से बनाएंगे मिसवाक। ये हमारी देसी मिसवाक है कीकर की। आज जुमतुल मुबारक है, तो जो मेरे व्यूवर्स टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वो करें, लेकिन मिसवाक के काफ़ी फ़ायदे हैं, सिर्फ में काफ़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मिसवाक करना बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत सी बीमारियों से जो बचा जा सकता है। टूथब्रश बेशक आप सुबह इस्तेमाल करें, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको जो नमाज वगैरह अदा करते हैं उसके साथ वज़ू के वक्त इसको जो है थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया करें। मेरी भी रूटीन नहीं है, तो इंशाल्लाह ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि रूटीन बनाऊँगा। और आप व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं ट्राई करें कि इसको जो है रूटीन बना लें नमाज के साथ, जो ही वज़ू करें तो इसको जो है थोड़ा सा साथ में कर लिया करें, तो इससे भी दांत जो आपके साफ़ सुथरे रहेंगे और सुन्नत भी पूरी हो जाएगी हमारे नबी की। ऊपर जो है मकोड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, ये देखें अब ये वाली मैं काट रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने लिया काट, अब इसको बनाएंगे। ऊपर जो है कंडे वगैरह हैं, इसको साफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, होप सो सारे दोस्त खैर करिए होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़कर आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज जो है वो 1 सितंबर है और हुकूमत ने जो है एक मरतबा फिर आवाम पर पेट्रोल और डीजल पम्प गिरा दिया है। अल्लाह पाक रहम फरमाए। अब जो है वो हालात काफ़ी काबू से जो है वो बाहर होते जा रहे हैं। और इसके अलावा आज के 1 सितंबर है, तो 3 महीने की जो छुट्टियाँ थी 2.5 महीने की वो भी खुल गई हैं, स्कूल वगैरह खुल चुके हैं। लेकिन मेरा ये व्लॉग जो अब तक कल पहुँचेगा, मतलब तो आप ऐसा ना कहें कि यार छुट्टियाँ तो 1 की खुल गई हैं। बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया कि 1.5 को है, मैं व्लॉग आज बना रहा हूँ तो अपलोड जो है वो दूसरे दिन होता है एडिटिंग वगैरह होने के बाद। तो सुबह सुबह ये हमारी एक टाली थी, ये सूखी हुई थी, तो इसका जो है वो गड़ा लगाया सुबह सुबह, सराकी में कहते हैं खड्डा, खड्डा लगा दिया इसका। तो अब जो है इसको कुल्हाड़ी से नीचे काटना है, इसकी जो है जड़ें वगैरह नीचे से हैं, लग तो मुश्किल है क्योंकि इधर से जो है वो दीवार है और इधर कुछ जड़ें वगैरह जो हैं इधर जा रही हूँ, तो फिर इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं, नहीं तो फिर इसको जो है ऊपर आरी से काट लेंगे। सुराख को जो है बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। व्यूअर्स ये मिसवाक मेरी रेडी हो चुकी है, ये देखें आगे से बहुत अच्छी किस्म की बना ली है, अब इसको आसानी से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सूरज की तपिश भी काफ़ी ज़्यादा है, दो दिन हो गए हैं, गर्मी जो है फिर से आहिस्ता आहिस्ता पड़ने लगी है। बीच में जो है एक दो दिन बारिश हुई थी तो मौसम जो है काफ़ी बेहतर हो गया था, तो फिर कल का जो है सेकंड टाइम का हब्बस है, परसों भी गर्मी थी, आज फिर जो है सूरज अपने मुकम्मल जोबन पे मुकम्मल जो है चमका हुआ है। टाइम हो रहा है 4:01 और मैं इस टाइम पानी वाले खाले पर बैठा हूँ, पक्का खाला है। और ये है हमारे देहात का माहौल, असर का टाइम जो जो हो रहा है, मौसम जो है बनता जा रहा है माशाल्लाह। ये चेक करें खूबसूरत पानी का व्यू। व्यूअर्स माशाल्लाह मौसम की क्या बात है, और हम जो है आज पैदल चल कर आए हैं, तकरीबन हमें बस अभी घंटा तकरीबन हो गया है खोड़ी पर पैदल आ गए हैं। ये रोडर जो है फिर वापस जा रहा है, हजरत साहब बैठे हुए हैं। व्यूअर्स ये खोड़ी का अब इख्तिताम हो गया है, आज जो है मौके पर हम पहुँचे हैं, वैसे हमारा इधर प्रोग्राम जो है बस बन गया था पैदल चलने का, वरना बहुत तकरीबन 1 घंटे का पैदल हमने सफ़र तय किया, आलमोस्ट घंटा हमें लग गया। तो साथ में लतीफ़ भाई थे, कमर भाई थे, अभी इन्होंने जो है यहाँ से खजूर खाई है, एनर्जी दोबारा हमारी जो है फिर बहाल हो जाएगी। ये सारा चूल्हा वगैरह इन्होंने तोड़ दिया है, कुछ ब्लॉक जो हैं घर भी पहुँचा दिए हैं। तो छप्पर जो है अभी तक ये देखिए यहाँ से बिल्कुल काला था, चूँकि यहाँ पर जो है वो आग जलती थी, यहाँ पर मुकम्मल काला है। तो ये अब खोड़ी का जो हैंड हो गया है,
ये कुछ जो कुछ खजूर वगैरह पड़ी है, खजूर भी आपको दिखाता हूँ। कुछ छुहारे वगैरह जो है वो तकरीबन सूख गए हैं, तो फिर खोड़ी का जो है वो बस मुकम्मल अख्ताम हो चुके हैं। कमर भाई जो है अख्तामी पानी जहाँ पे पी रहा है खोड़ी वाला, ये इधर नलका लगा था माशाल्लाह। ये खजूर है, ये अब मुकम्मल तैयार हो गई है, ये आप देख लें। यहाँ से हमने कुछ खाई भी है और ये बस अख्तामी वर्क जो है जारी है। अब शाम होने वाली है, टाइम है 6:40, तो हम जो है थोड़ा लेट पहुँचे हैं। ये माहौल है सारा खोड़ी का, देसी माहौल है। बादल जो हैं आसमान पर छाए हुए हैं, खोड़ी वाले जो वर्कर हैं परेशान हैं, पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि क्या करें, पर जो है वो कली वगैरह डालें या नहीं। वो छुहारा थोड़ा सा चेक करवाता हूँ। ये छुहारा है, ये आप देखें माशाल्लाह, अब जो है सूखा हुआ है बिल्कुल। यहाँ से मैं एक चेक करता हूँ। व्यूअर्स अगर आपका दिल है तो कमेंट में बताएं, लोकेशन बताएं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपका कर देंगे, खाने के काबिल जो है कुछ आपके भेज देंगे। नहीं तो फिर मैं तो जो है ट्राई करता हूँ इसको, एक उठाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो है ये आज का व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो पेज को फॉलो करना भूलें। ज़िंदगी के साथ बाकी तो मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फरहान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।